नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रीना और आप सभी का स्वागत है रीनास किचन में। दोस्तों, बारिश का मौसम हो और उसमें गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाएं तो क्या बात है। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्वीट कॉर्न भुट्टे के पकौड़े, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस, एकदम करारे, जिसे आज मैं सर्व करने वाली हूँ टमाटर की चटनी के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने दो टमाटर को रफली चॉप कर लिया है, दो हरी मिर्च डालेंगे, एक इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे जिसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसमें लगभग एक चौथाई चम्मच जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी, नींबू का रस डालेंगे, आधा नींबू का रस लिया है यहाँ पे मैंने। अब हम इन सभी सामग्रियों को पीसकर चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी तैयार है। अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न लिया है, भुट्टे, यहाँ पे मैंने दो भुट्टे लिए हैं जिनके दानों को निकालकर साफ कर लिया है। अब हम इन दानों को मिक्सर में डाल देंगे और हमें इन्हें दरदरा पीस लेना है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे दरदरा ही रखना है। आप देख सकते हैं कॉर्न को मैंने दरदरा ही पीस कर तैयार किया है। अब यहाँ पे मैंने दो प्याज लिए हैं जिसे मैंने लंबे और पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को हमें मैरिनेट करना है, जिसके लिए हम उसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। उसमें मैं नमक डालूंगी लगभग आधा चम्मच आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे एक चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। अब हम इन सभी सामग्रियों को हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले प्याज में अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे और प्याज भी अलग अलग हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब हम इस मिक्सचर को 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 5 मिनट के बाद हमने जो कॉर्न का पेस्ट बनाकर रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे और सभी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्न में सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें बेसन डालेंगे, यहाँ पे मैंने लगभग 1 कटोरी बेसन लिया है। अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे आधी कटोरी, ये हमारे पकौड़ों को बहुत बढ़िया क्रंच देगा। अब इन सभी सामग्रियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा पतला है तो आप थोड़ा और बेसन और चावल का आटा डाल सकते हैं। अब मैं इसमें नमक डालूंगी आधा चम्मच, हमने नमक पहले ही डाला था तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालिए। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम पकौड़ों को फ्राई करना शुरू करेंगे। यहाँ कढ़ाई पे मैंने सरसों का तेल लिया है, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी तेल ले सकते हैं। अब हम पकौड़ों को फ्राई करना शुरू करते हैं। पकौड़ों को फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। फ्लेम यदि तेज रहेगी तो पकोड़े हमारे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम में ही पकोड़ों को फ्राई कर तैयार करना है। पकोड़ों को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पकोड़े हम थोड़ा छोटे साइज के ही रखेंगे, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और अंदर से अच्छी तरह से पक जाते हैं। आप देख सकते हैं पकोड़े एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रंची पकोड़े तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम सभी पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। इन पकोड़ों को भी हमें दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये पकोड़े भी लगभग फ्राई होकर तैयार है, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे।
तो लीजिए गर्मा गर्म हेल्दी टेस्टी और डिलीशियस कॉर्न के पकौड़े टमाटर की चटनी के साथ बनकर तैयार हैं। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करिए, आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। और यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।